आगड़दम बागड़दम नॉन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तुम और पर से हम घर में से निकरे रे पट परे जीना पे जादार बगर गई दोना काए ना ल्याए जकड़ी बगर गई दोना काए ना ल्याए। कविता, आपने कभी ये सोचा था कि आपका ये गाना एकदम से मूव करेगा और इतनी ज़्यादा हाइट पकड़ लेगा कि आपकी लोकप्रियता पूरे देश में हो जाएगी? ये ना एक बुंदेली समागम था, मैंने वहाँ पे ये गाना गाया। उस टाइम पे क्या था कि मैं सेकंड प्राइज जो मिला था वो बुंदेली आइडल का, तो मैंने नहीं सोचा था क्योंकि मैं वो अपना करके सीधा घर निकल आई थी क्योंकि फैमिली नहीं पहुँच पाई थी भोपाल, तो मैं वापस छतरपुर आ गई थी। मुझे तो तीसरे दिन पता चला कि इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कि आपका ये गाना हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे अपने अंदाज में गा रहे हैं, तो ये किस तरीके से लोकप्रियता कभी सोचा? इसके शब्द इतने मतलब सरल कह लो या फिर इतने प्यारे हैं कि एक बार में बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं। मुझे तो ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे इस चीज़ से कि मेरे पास इतनी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं बच्चों के गा गा के कि वो आगड़दम बागड़दम बच्चे गा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव किस प्लेटफॉर्म पर हैं? इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, फिलहाल मेरा यूट्यूब चैनल भी का। इसके पहले जब आपने इंस्टा पर अपने कितने फॉलोवर थे और इस गाने की बात कितनी? उस टाइम मेरे 17,000 थे और अभी कुछ 50 होने वाले लगभग। मतलब इस गाने से आपको एकदम से सफलता मिल गई? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले कोई और गाना जो आपका सुपर हिट हुआ हो? अपने यहाँ पे ना जैसे बुंदेलखंड का नाम लो तो बुंदेलखंड के साथ एक शब्द जुड़ जाता है राई, तो मैंने स्वांग कुछ गाए थे, एक मेरा शो था ट्राइबल म्यूजियम में ही था मऊआ महोत्सव, उसमें मैंने स्वांग गाया था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, उस पर भी मिलियंस में व्यूज़ हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कविता शर्मा जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे बुंदेलखंड की जो कलाकार हैं उन्होंने किस तरीके से एक गाना गाया आगड़बम बागड़बम, ये काफ़ी हिट हुआ है और हर कोई अपने रील बनाकर इसको सोशल मीडिया पर डाल रहा है। तो इस तरीके से हम कविता शर्मा से बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें इस गाने के बाद किस तरीके से एक हाइट मिली है और पूरे देश में आज उनकी पहचान हो चुकी है। बात करते हैं कविता जी, जिस तरीके से आपका ये गाना सुपर हिट हो गया, कभी सोचा था कि इस तरीके से सुपर हिट हो पाएगा? सोचा तो नहीं था पर हो गया, तो उसके लिए पहले तो लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो पहले तो लोगों का धन्यवाद। आपने, हमने सुना है कि आपने संगीत से ही एमए किया है, क्या पूरी थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए? मैंने म्यूज़िक में एमए किया है भोपाल से, नूतन कॉलेज से। नीना श्रीवास्तव जी जो है वो मेरी गुरु हैं, जिनसे मैं अभी भी सीख रही हूँ, पर मेरी जो संगीत की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो मेरे यहाँ छतरपुर में ही हुई है। महंत तिवारी जी सर हैं मेरे, जिनसे मैंने शुरुआत करी म्यूज़िक की अपनी। ये माना जाए कि पूरी आपकी जो जिस तरीके से तरक्की है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुई? जी जी, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो मानती हूँ, मैं लोगों से भी यही कहती हूँ कि लोग बोलते ना कि स्टेज नहीं मिलता, स्टेज नहीं मिलता, तो मुझे लगता ना कि सोशल मीडिया जितना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कुछ मिनट में करोड़ों लोग देख लेते हैं। छतरपुर की आप रहने वाली हैं, पहले हम देखा करते थे कि आप छतरपुर तक ही सीमित थी, लेकिन आज इस गाने के आने के बाद मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है और हर कोई बुंदेलखंड का व्यक्ति नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आपका ये गाना गाते रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि बुंदेलखंड के तो ठीक ही ठीक, मैंने बाहर के लोगों को भी देखा है कि वो ये वाला गाना गुनगुना रहे हैं। अब इस गाने के बाद स्टेज शो किस तरीके से आगे मिलने लगेंगे और जहाँ आप जाती हैं अभी किस तरीके, गाने आने के बाद कितने सम्मान अभी तक हो चुके हैं? मुझे ऐसी गिनती तो नहीं है मुझे, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सब बात। कोई एक्स्ट्रा बुकिंग वगैरह उसके आने के बाद? हाँ, बुकिंग तो चल रही है मेरी, अभी नवरात्रि तो पूरा बुक है मेरा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा गाना है जो आपका इसके बाद सेकंड लीड रहा हो? बताए ना अभी आपको, राई के जो स्वांग होते हैं ना वो भी काफ़ी वायरल हुए हैं। एक दो सुना दीजिए कुछ। इन पे करियो ना विश्वास, समय पे धोखा दे है रे, किन पे करियो ना विश्वास, समय पे धोखा दे है रे, किन के रंग में ना रंग जइयो, इनने दुनिया रंग दई रे, किन के रंग में ना रंग जइयो, इनने दुनिया रंग दई रे। ऐसा लगता है कि आपने जो बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको कहीं नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ने वाली, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, कोशिश तो मेरी यही है और मैंने शुरुआत से ये वाली लेके चल रही हूँ कि बुंदेलखंड को लेकर ही काम करना है और आगे भी करती रहूँगी अपने स्तर पर जितना मुझसे हो पाएगा। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है, कैसे पढ़ाई चलती है? हम चार भाई बहन हैं, मम्मी पापा, बस
शुरुआती पढ़ाई यहाँ छतरपुर में हुई, पर एमए मैंने भोपाल से किया। कहाँ से शुरुआती शिक्षा हुई है? शुरुआती शिक्षा एक हमारे घर के पास में ज्योति स्कूल था, वहाँ से शुरुआत हुई स्कूल। अच्छा, से ज्योति स्कूल से सीधे भोपाल तक का सफ़र रहा। जी, तो अब भोपाल में क्या करती हैं? अभी जस्ट अब मेरा एमए कंप्लीट हुआ है, पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ, नेट की तैयारी कर रही हूँ। और इसके अलावा आपको नए गाने की प्रैक्टिस चल रही है कोई? आने वाले नए गाने आने वाले हैं, नए गाने आने वाले हैं। सस्पेंस बरकरार। बिल्कुल। तो इस तरीके से कविता शर्मा ने बताया कि उनका नया गाना भी आएगा। जिस तरीके से ये गाना सुपर हिट हुआ है, आगे भी उम्मीद है कि और भी गाने सुपर हिट होंगे। खास बात यह है कि इन्होंने अपने बुंदेलखंड की परंपरा और कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ा। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।